Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number two one two, and our topic of concern is defining the problem. As you know, that problem is the most important aspect in a decision. It is said that if we define a problem then half the problem So we have to be careful that what is the problem, what is, it what is its context, and how can we deal with it by putting it in. Sit In अब के हवाले से याद रखिएगा कि प्रॉब्लम को एलैबोरेट करना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और प्रॉब्लम में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि द डेफिनेशन इज समाइम्स क्लियरली एलैबोरेटेड और एक और चीज इसमें बहुत सेंसिटिव जो होगी वह यह है कि इनकम्प्लीट डेफिनेशन इज डेंजरस दैन द रोंग डेफिनेशन के केस में हम facts को वो नहीं कर पाते so को करना वो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा प्रॉब्लम के तमाम को देखना पड़ेगा उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका ओरिजिन क्या है उसके इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसकी क्रिटिकैलिटी क्या है और ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम में किन फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर के ऊपर बात वो की गई है फैक्ट एंड फिगर्स को किस तरह से आपको टैकल करना है तो ये तमाम चीजें आपस में इंटरग्रेट होकर एक प्रॉब्लम की डेफिनेशन को कंप्लीट वो कर पाएंगी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम रिमेंबर के वन मस्ट ऑलवेज चेक एंड री कि उस प्रॉब्लम की एलैबोरेशन एंड डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर कोई इंबिग्विटी और कहीं पर कोई उलझाओ या मसला वो ना हो Because, उस प्रॉब्लम को अगर हम प्रॉपरली इलेबोरेट नहीं कर पाएंगे हम ऑब्जर्वेबल फैक्ट को उसमें एडअप्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली un फैसला करना वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा वेरी मच केयरफुल प्रॉब्लम डेफिनेशन शुड बी कंप्लीट शुड बी प्रोसाइज शुड बी कंसाइज एंड शुड बी अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेटेड एज वेल अनदर इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इज दट वन मस्ट रिमेन वेरी कॉन्शियस अबाउट वट आर द प्रॉब्लम एस्पेक्ट प्रॉब्लम कैसे हुआ उस प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उस प्रॉब्लम के साथ कौन कौन से आउटकम इन्वॉल्व है इन तमाम चीजों को आपस में इंटरग्रेट करना इन तमाम चीजों को आपस में एसोसिएट करना वह हमारे लिए बहुत जरूरी होगा अदरवाइज द प्रॉब्लम वुड कीप इट सेल्फ देर एंड विल बी जस्ट ट्राइंग टू कम अपल्यूशन विच इज नॉट गोइंग टू कॉज राइटफुल आउटकम विच इज नॉट गोइंग टू कॉज

कोई ऐसी चीज मिस तो नहीं हो रही जो हमारे लिए जरूरी हो उस प्रॉब्लम में टैकल करनी अनदर इंपोर्टेंट थिंग इज दैट द प्रॉब्लम शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व अगेन फॉर एनी चेंज इन डिटेल्स और एक्सपेक्टेशन बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम बाजुकात स्टेक होल्डर्स अपनी उम्मीदें वो चेंज कर लेते हैं बाजुकात उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती हैं बाजुकात प्रायोरिटीज बदल जाती हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन के दौरान जब हम एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कहाँ पर कौन कौन सी तब्दीलियां पुरुनुमा हो रही हैं बिकॉज वो तब्दीलियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी टू अंडरस्टैंड कि अब हमने उनको टैकल अप वो कैसे करना है एक्सपेक्टेशन के फर्क को कैसे टैकल करना है स्टेक होल्डर प्रायोरिटीज को कैसे हमने एंटरटेन करना है और फिर इवेंचुअली हमारा फाइनल डिसीजन वो क्या होगा प्रॉब्लम डेफिनेशन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम उस प्रॉब्लम को अप्रोप्रिएटली खुद भी कंप्रीहेंड करें और कम्युनिकेट भी करें बिकॉज जब तक प्रॉब्लम हमारी अप्रोप्रिएटली लेबोरेटेड नहीं होगी तब तक हमारे लिए डिफिकल्ट होगा राइट right डिसीजन करना डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा प्रॉब्लम की क्रिटिकलिटी और सिग्निफिकेंस डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है और जब तक हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे हमारे लिए डिफिकल्ट होगा राइट आउटकम्स अचीव करना थैंक यू